खाद की कालाबाजारी एवं किल्लत को लेकर कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। शनिवार को किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्त के नेतृत्व में किसान कांग्रेस द्वारा खाद की कालाबाजारी एवं किल्लत को लेकर स्थानीय शहीद चौक पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोशित प्रदर्शन किया। मौके पर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्त ने कहा कि देश के किसान सर्वोपरि होते हैं। आज वर्तमान में किसानों को खेती करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे देश में किसान ही नहीं रहेंगे तो हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में खाद की किल्लत है। वह इस बीच आपदा को अवसर में बदलते हुए खाद की कालाबाजारी पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मांग करते हैं किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया कराया जाए, साथ ही खाद की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों ने ही मिलकर किसानों के साथ सौतेलापन किया है और किसी न किसी बहाने हमेशा किसान को परेशान किया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश में जय जवान जय किसान के नारे लगते थे और जवान और किसान हमेशा खुश रहते थे, मगर वर्तमान में ना तो जवान सुरक्षित है और ना ही। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि खाद की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर जिला प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मौके पर कांग्रेस के दिलीप विश्वास, संजय सिंह, रिंकू मिश्रा, राजीव चाकी, राज आनंद सिंह, मोहम्मद असलम आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। शासन बाबू के राज में अमरेंद्र प्रसाद सिंह जी ऐसे कृषि मंत्री हैं जिनके राज में केवल कालाबाजारी ही हो रहा है। आज किसान त्राहिमान है, आज डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रहा है। ये तमाम मांग को लेकर आज कांग्रेस किसान के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, आज किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष दिलीप कुमार विश्वास जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कृषि मंत्री का पुतला फूंक कर करके ये आह्वान करने का काम किए हैं। आप सुधरे, नहीं तो किसान के नाम पर जो आप जो हमारे संवाददाता सोनू चौधरी की रिपोर्ट कटिहार बिहार से।